कांकेर के भानुप्रतापपुर से कांग्रेस प्रत्याशी सावित्री मंडावी ने दोगुने मतों से जीत का दावा किया है। सावित्री मंडावी से बात की हमारे संवाददाता अमित चौबे ने। भानुप्रतापपुर विधानसभा सीट से एक बार फिर सावित्री मंडावी पर कांग्रेस ने अपना भरोसा जताया है। भाजपा ने भी कांग्रेस अपने प्रत्याशी वहां पर गौतम उइके को घोषित कर दिया। सावित्री मंडावी से हम जानना चाहेंगे कि कितना चुनौती मानती है गौतम उइके। मैं कुछ चुनौती उनको नहीं मानती, क्योंकि अधिकांश मेरे जो क्षेत्र है गौतम उइके को कोई नहीं जानता, खासकर चारामा क्षेत्र में तो बिल्कुल नील है। और हमारी सरकार ने इन 5 सालों में लगातार जो विकास के कार्य किए हैं, इन सबको देखते हुए पूरे जो भानुप्रतापपुर क्षेत्र की जनता है बिल्कुल कांग्रेस के पक्ष में, और आने बिल्कुल कांग्रेस को वोट दिलाएंगे। पूरे पिछले बार लगभग 27 हासिल की थी, इस बार क्या उम्मीद लगता है, कितने मतों से आप जीत सकते? बिल्कुल पिछला हमारा जो विभिन्न परिस्थितियों में रहते हुए भी पूरी वहाँ की जनता जो हम मुझको 21,171 मतों से विजय दिलाई थी, और इस बार पूरी डबल मतों से हम जीतेंगे। सावित्री मंडावी जिन्होंने जिन पर कांग्रेस ने भानुप्रतापपुर से भरोसा जताया था, उनका कहना ये है कि वो इस बार 21,000 से भी अधिक मतों से जीत दर्ज कराएंगी। अमित कुमार चौबे, IBC24, कांकेर।